जब कोई मनुख पहले पहले कोई कर्म करता है शुभ या अशुभ, चलो अशुभ नो लिए झूठ बोलता है एक कर्म, इस कर्म का अंदर हल्का जहा संस्कार बन गया, फिर झूठ बोले, फिर होर जरा संस्कार प्रबल बन गया। जिमें कोई मुसवर तस्वीर बनाता है, पहले तो लकीर ही खिंचता है ना, तस्वीर मुकम्मल तो किसी वक्त आती है ना, टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, अजे पहले तो लकीर ही लकीर ने, फिर रंग भरता है, फिर नैन नक्श बनाता है, फिर एक दिन पूरी तस्वीर प्रगट आती है, एकदम नहीं आती। मुसवर चित्रकार इस ढंग नाल बनाते, पहले पहले झूठ बोले, अंदर संस्कार बन गया, लकीर तो बन गई, फिर बोले जरा होर लकीर पै गई, फिर बोले रंग भरने शुरू हो गए, बार बार बोले झूठ। झूठ बोलना संस्कारां दा संग्रह होके सुभाव बन गया, आदत बन गया, और सुभाव नहीं बदलिया जा सकता। महापुरुष कर्म बदलते ने, संस्कार बदलते ने, सुभाव नहीं बदलते, नहीं बदल सकते। बड़े तो बड़े अवतारी पुरुष भी फेल हो गए, दुर्योधन का सुभाव नहीं बदल सके, श्री कृष्ण नहीं बदल सके। 90 साल तक औरंगजेब जुल्म ही करता रहा, पाप ही करता रहा। फकीरां ने समझाया, जिन्ना जिन्ना फकीरां ने समझाया कि जेड़े जेड़े फकीर दारे का पक्ष लेंदे सन, औरंगजेब ने कतल कर दिते। सरमद नू दिल्ली दे लाल किले च कतल कर दिता, बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी उसने कतल कर दिते। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने जनेऊ का पक्ष ले लिया, टिक्के का पक्ष ले लिया, शहीद कर दिता। इन्हें की प्रेरणा लेनी सी? कारण जुल्म करना उदा सिर्फ कर्म नहीं सी, उदे सिर्फ संस्कार नहीं सन, आदत बन गई सी, सुभाव बन गया, सुभाव नहीं बदलते, नहीं बदलते। ये भी मैं अर्ज करा, 17-18 दिन तक दुर्योधन नु समझांदे रहे ने श्री कृष्ण। हुण श्री कृष्ण जैसा समझाण वाला होवे, दलीलां जिस दियां दासियां होवन, शब्दां दा जिस कोल बड़ा भंडार होवे, ते अनुभव प्रकाश भी होवे, वो भी ना समझा सके। अवतार समझाण दे सफल होंदे ने किस नूं? अजे कर्म सिर्फ कर्म है, बदलिया जा सकदा है। अजे कर्म सिर्फ माड़ा मोटा संस्कार बनया है, बदलिया जा सकदा है। बार बार कर्म रिपीट होया, दोहराया गया, संस्कार बन के सुभाव बन गया, नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। पहले दिन शराब पीती है, एक कर्म है, हल्का जिहा संस्कार है, छुड़ाई जा सकती है, बदली जा सकती है। फिर पीती है, फिर पीती है, फिर पीती है, संस्कार प्रबल होंदे गए, प्रबल होंदे गए, पर अजे भी संस्कारां दे च है और कर्म है, बदले जा सकते। पर रोज रोज पींदियां 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 संस्कारां दी प्रबल सुभाव बन गई, आदत बन गई, उन दुनिया दे कोई भी आ जाए नहीं समझा सकता। कवि तुलसी कहते हैं, हले फूले ना बैत जदव बरसे सुधारस, मूर्ख तो न समझे जे गुरु मिले बिरंच सम। मूर्खता जिसका सुभाव बन गया है, ब्रह्मा भी उसके सुभाव को नहीं बदल सकता। कवि तुलसी नहीं बदल सकता। ब्रह्मे जैसा शास्त्रकार, ब्रह्मे जैसा महाज्ञानी, ब्रह्मे जैसा चतुर्मुखी, हर दिशा दे देखने वाला, हर गल नु समझने वाला, मूर्ख नु नहीं समझा सकता। केड़े मूर्ख नु? मूर्खता जिसका सुभाव है, मूर्खता जिसने अजी सिर्फ कर्म नहीं ने, कर्म कर करके सुभाव बन गया। बुरा कर्म सिर्फ बुरा कर्म है, बदलिया जा सकता है, छुड़ाया जा सकता है, छोड़िया जा सकता है।
बुरा कर्म सिर्फ बुरा कर्म नहीं, आदत बन गई, स्वभाव बन गया, नहीं छुड़ाया जा सकता। बड़े बड़े अवतारी पुरुष फेल रह गए। रोज रोज मोहम्मद साहब अपने चाचे नो समझांदे रहे। आप दी ग्यातली अर्ज करा, छोटे जे सन 2 साल दे, आमना जो इन्हां दी माता सी चलाना कर गई, यतीम रह गए। 6 साल दे सन ते पिता भी चलाना कर गए, बिल्कुल यतीम हो गए। चाचे ने पालिया, चाचे दा नाम सी अबू तालब, उन्होंने पालिया। ते भाई गुरदास कहंदे ने, पिता का प्यार ना परोसी पे पाइए, चाचे तो भी नहीं मिल सकता, परोसी तो नहीं मिलेगा। प्यो दा प्यार चाचे तो भी नहीं मिल सकता, ताए तो भी नहीं मिल सकता, प्यो दा प्यार प्यो तो ही मिल सकता। तो पिता भी कोई नहीं, मां भी कोई नहीं, चाचे ने पा लिया। कई दफा समझाया, मोहम्मद साहब ने जवान होके जदों पैगंबर बने, उन्होंने अनुभव प्रकाश होया और उन्होंने कहन लगे, तुसी बुतां दी पूजा ना करया करो। वो मूर्ति पूजते सन, आखिरी समय तक अबू तालब मूर्ति की पूजा करता रहा, मोहम्मद साहब की गल नहीं मनी। तो अबू तालब कहते सन, मेरे इन्हों हथा ने तेन पालिया खिडाया, तू मैनू उपदेश करदा, पैगंबर होवेगा जगत लई, मेरे लिए नहीं है। उठे फिर अखीर विच मोहम्मद साहब नू कहना पिया, चाचा जान ये थोड़ी आदत बन गई है, वाकई नहीं मैं बदल सकता, आदत बन गई, थोड़ी आदत बन गई। कोई भी कर्म बार बार रिपीट होके संस्कारां दा संग्रह बन के जब आदत बन जाए, तो इस आदत नू अवतार भी नहीं छुड़ा सकते। छोटी जबान नाल मैं बहुत वड्डी गल कर रहा, अवतारा ने की बदलना सी, उन्हां दुष्टां ने अवतारा नू सूली ते टंग के रख दिता, जिन्हां नू समझांदे पै सन नहीं समझे, उन्हां ते सूली ते टंग के रख दिता। सुकरात दा भी यही कसूर सी, यूनान हजारां साल तो मूर्ति की पूजा करता सी, ते सुकरात इसके खिलाफ बोलता सी, बस इन्ना ही कसूर से गिरफ्तार होया। वक्त की हकूमत ने यह आख्या, तू प्रचार बंद कर, क्योंकि लोगों का सुभाव है मूर्ति पूजा करना, लोगों की आदत है। लगता हुक्मरान कोई सियाणा सी जो ऐसा कहना, आदत है, स्वभाव है, तू बोलना बंद कर। तो सुकरात कहने लगा, की करा बोलना, मेरा भी स्वभाव, मैं नहीं बंद कर सकता, मेरा भी स्वभाव बन गया, मेरी भी आदत बन गई। तो जे वो नहीं अपनी आदत बल सद, मैं कितों बदला, मेरी भी आदत बन गई। जैसे कथा तो तुसी सुनी होगी, एक योगी बार बार बिच्छू नू बाहर कढ़ रहा है, वो बार बार डंग मार रहा है पानी दे। आखिर चेले ने कहा, पानी च रहने दे, क्यों बार बार कढ़ दे, थानू डंग मार रहा है। कहिंदे की करिए, डंग मारना एदा सुभाव है, ते परोपकार करना मेरा सुभाव, हुण मैं की करना, मैं डंग ते मार नहीं सकता। शेख सादी ने एक बड़ी सोहनी कहानी लिखी है, सगे पाए सहराए नशीने गदी, बखशमे के खूनश दंदां चे कंद। एक लकड़हारा सिर दे उते लखणा दा गठा चुक के अपने घर दी तरफ आ रहा है। रोज जंगल जांदा सी, लकड़ियां लैंदा सी, घर दे च रखदा सी, ते खरीदार घरों ही लै जांदे सन। आमदिया रस्ते विच कुत्ते ने कट खादा, बड़ा भारी जख्म बन गया, खून वगया,
उस हालत दे जद घर आया इस लकड़हारे दी सिर्फ इको एक बच्ची सी नौजवान। अपने बुढ़े प्यो की यह हालत देखी उन्हों तरस बड़ा वो गुस्से च कहन लगी कि आखिर तोरा तेज दंदा ना बहू ऐ मेरे अबू थोड़े कोल तेज दंद नहीं सन जे कुत्ते ने थानू कट खा दिया तुसी भी कट खाना सी। पता है बुढ़ा लकड़हारा की कहता है अपनी बच्ची दे सिर पे हाथ रख के कहता है वह लेकिन ना आया नवायद मरदम सगी मैं सग नहीं हाँ कुत्ता नहीं हाँ मनुख हाँ कि मनुख कोल कुत्तियां वाला काम नहीं हो सकता। वह लेकिन नयायद जा मरदम सगी मैं मरदम मनुख हाँ कि मनुख हो के कुत्तियां वाला काम किवें कर लो कुत्ते ने मैनू कटिया ओदा सुभा मैं किवें कटा मैं मनुख हाँ मैं कुत्ता नहीं हाँ मैं किस तरह कटा। लेकिन नयायद जा मरदम सगी करम संस्कारां दा संग्रह बन के सुभाव बन जाए नहीं बदलते। वक्त दे हुक्मरान ने सजाए मौत सुनाई सुकरात नो जहर दा प्याला उस वक्त यूनान दे सजाए मौत देण दा डंग सी प्याला जहर दा हाथ च है पीण लगा है सुकरात हुक्मरान रोकदा है कहिंदे कानून दी एक जद दे मुताबक मैं तेनू छोड़ सकदा अगर तू कबूल करें। सुकरात कहिंदे ओ कि तू ए मुलक छोड़ के चला जा बैलगड्डियां ते घोड़े गड्डियां ते तू अपना साजो समान भी लद के लै जा परिवार भी लै जा असी ए भी इजाजत देंदे ये मुल्क छोड़ के चला जा। सुकरात कहंदे नहीं मैं मुल्क नहीं छोड़ सकता मैं एथन नहीं छोड़ सकता। मुनसफ कहंदा है सजाए मौत तो बच जावेगा मौत तो बच जावेगा। सुकरात कहंदा नहीं बचांगा जिथे जावांगा उत्थे भी एहो जिहां दे मनुख होणगे ते थोड़े जैसे हुकमरान होणगे कोई आसमान तो थोड़ी डिगे ने उत्थे भी मैं यही कुछ बोलांगा संघर्ष होवेगा उत्थे भी सजाए मौत होवेगी इत्थे ही ठीक है इत्थे ही ठीक है। सियाणा मनुख सी पता सी इसनूं कोई भी करम शुभ करम सच बोलना जिहदा सुभाव बन गया लख भी झूठे कट्ठे होवन उहदे सुभाव नूं नहीं बदल सकते। कबीर ने कहा संत न छाड़े संतई जे कोटक मिले असंत करोड़ां दुष्ट मिल जान संत अपनी दया नहीं छोड़दा संत अपना परोपकार नहीं छोड़दा संत अपना सुभाव नहीं छोड़दा। संत न छाड़े संतई जे कोटक मिले असंत मलयागर भयंगम बेड़े तो शीतलता न तजन भावें सप लिपटे रहिंदे ने चंदन नूं ते चंदन उन्हां नूं भी शीतलता देई जांदा सुगंधी देई जांदा उन्हां दी जहर नहीं लैंदा अपनी महक देंदा उन्हां दी जहर नहीं लैंदा अपनी ठंड देंदा। करोड़ां दुष्ट होवन संत दुष्टपना नहीं लैंदा क्यों संतपना उसका सुभाव बन गया दया उसका सुभाव है शील संजम उसका सुभाव है परोपकार उसका सुभाव है कोमलता उसका सुभाव है कठोरपना दुष्ट का सुभाव है। कर्म बदल जाते हैं सत्संग की महिमा इस वास्ते कर्म बदले जा सकते हैं संस्कार बदले जा सकते हैं। कर्म बार बार रिपीट होके बार बार रिपीट होके संस्कारां दे संग्रह बन के जब सुभाव बन जाते हैं नहीं बदलते। मेरे देखे गुस्ताखी माफ कोई एक अवतार भी सुभाव बदलने समर्थ नहीं होया
सुभा की बदलने सन, उन्होंने ते सूली ते चाड़ दिता, जहर का प्याला दे दिता। सुभा की बदलना सी, पंजे गुरु नानक नू तत्ती तवी ते बिठा दिता। नहीं बदलते सुभा। कोई भी अशुभ कर्म उनू सुभा ना बनन देना, यही सियाणप है। और ये सूझबूझ संगत तो मिलती है, सत्संग तो मिलती है। किसी भी दुष्ट कर्म नो आदत ना बनन देना, कि सत्संग दा लाभ है, गुरबाणी दा लाभ है। पर जे दुष्ट कर्म सुभाव बन गया, आदत बन गया, तो गुरु नानक दे बोल मैं फिर थोड़े सामने रखा, राती होवन कालियां सुपे दा सेवन, देहो बग्गा तपे घना कालिया काले वन, चिट्टा दिन चढ़िया बग्गा दिन चढ़िया। पर कालिया चीजा चिट्टा नहीं कर सकता, कालिया चीजा कालिया। काली बोली रात आई है मसिया दी, पर चिट्टिया चीजा चिट्टिया ही ने, उन्होंने काला नहीं कर सकती। जिसका सुभाव सफेद है, शुभ है, अशुभ नहीं होवेगा। जिसका सुभाव ही काला है, करूप है, कठोर है, दुष्ट है, नहीं बदलेगा। गुरु नानक ये कह रहे सतगुरु देव जी महाराज अपने वाक विच ये कह रहे हैं। तो मैं अर्ज करा, दो चार महीनों का कपड़ा मैला होवे, मैल दिखाई देती है, कपड़ा नहीं दिखाई देता। ये जिहड़ा साडा मन है, एक दिन का मैल है, एक महीने का मैल है, या एक साल का, या एक जन्म का, नहीं। इस मन को जन्म जन्म की मल लागी, काला होया स्या। ये अनंत जन्मों का मैल है। फिर भी मैं अर्ज करा, साफ हो सकता है, साफ हो सकता है। जिड़े जिड़े सत्संग की तड़प रखते हैं, अमृत वेला है, सुभावक उठ बैठते हैं, खिच रखते हैं, ये पहचान है कि मलनता अजे सुभा नहीं बनी, दुष्टपना सुभा नहीं बने। पर गुरुद्वारे विच भी आके दान की बिरती ना पैदा होवे, खोण की बिरती पैदा होवे, किवें जेब कटिए, किवें गुरुद्वारे वालियां नूं धोखा देईए। इत्थे भी अंदर बुरे विचार चलन, रंग वेख के, रूप वेख के, धन वेख के, संपदा वेख के, और रोज रोज इस तरह होवे, तो एक गल स्पष्ट है, दुष्टपना इसका सुभा बन गया। कथा कीर्तन नाल कुछ भी नहीं होवेगा, कुछ भी नहीं होवेगा। मेरी जिंदगी का ऐसा तजर्बा है, मेरे नाल कुछ सज्जन तीह तीह चाली चाली साल तो भी रहे हैं। जैसे कि चंगी आत्मा भाई कल्याण सिंह, ये मेरे नाल 40 साल तो है, और बेदाग जिंदगी इन्हां दी, चंगे विचार ने। वो सज्जन ते हुण नहीं रहा। मैं देखिया रोज रोज मेला ही हुंदा गया, दुष्टपना उसका वधदा ही गया। दिन विच 10 बंदिया नाल लड़ ना लवे, गाली गलोच ना कर लवे, उन्हों चैन नहीं मिलता। एक दिन मैं ही उन्हों हाथ जोड़े, मैं कह इस तरह है, तू मैनू छोड़ के चला जा, तेरे करके मैनू गिले बड़े आ। कहन लगा थोड़े नाल रहना भी हुण मेरी आदत बन गई, मैं नहीं छोड़ सकता, ये भी मेरी आदत बन गई। जो तुसी कहंदे हो गाली गलोच करना, लड़ना भी मेरी आदत बन गई, मैं नहीं छोड़ सकता, साफ कह दिता। उस नाल दे साथी जान दे, बेचारा गुजर गया, पिछले साल ही गुजर गया। जिहड़ा परोपकार करे उहदे नाल भी लड़ पैना, जिहड़ा सेवा करे उहनूं भी गालां गूलां कढ देण। हर वक्त क्रोध च रहना, हर वक्त क्रोध च रहना। और एक दिन तो उसने कबूल कर लिया, गया नहीं जी मैं नहीं कट सकता क्रोध में,
लड़न लई मैनू कोई बंदा चाहिए, कोई बंदा चाहिए, बस बंदा ही चाहिए, भावें उसने कसूर किया भावें नहीं किया। इस तरह की आदत सुभा बन गया, फितरत बन गई। कर्म बार बार रिपीट होके संस्कारां दा संग्रह बन के जब आदत बन जाए नहीं छुटती, नहीं छुटती। इस वास्ते आदत बनाइए शुभ कर्म नो, आदत ना बनाइए अशुभ कर्म नो। ते लाभ यही होवेगा, रोज रोज अशुभ कर्म घटते जा रहे ने, शुभ वधते जा रहे ने। इस सत्संग दा लाभ है, ये लाभ है। धन गुरु अमरदास जी महाराज का यह महावाग इस तरह का ख्याल दिता है, जिसकी तशरीह, जिसका खुलासा मैं थोड़े सामने किया है। अखरी अर्थ आप सरवण करो एक दफा प्यार नाल, आखो सतनाम श्री वाहे वाहेगुरु। तनासरी महला तीजा, तीजा जग मैला मैलो होए जाए। इतनी गल जरूर है कि जगत दे सिर्फ मनुख की गल कर रहे हैं, पशु पक्षी तो मैले जी रहे, वो सुचेत नहीं है, वो अजे चुनाव नहीं कर सकते, निर्मलता ते मैल का चुनाव नहीं कर सकते, शुभ ते अशुभ का चुनाव नहीं कर सकते। कोई बकरी किसी का खेत खा जाए तो असी उसके ते चोरी का इल्जाम नहीं ला सकते, अदालत च नहीं खड़ा कर सकते ने चोरी नाल खेत खा लिया। कोई सप किसी नूं डंग मार जाए तो अगला बंदा मर जाए तो हुण पकड़ के इहनूं थाने लै जाइए तो अदालत लै जाइए, इन्हें कतल किया बंदा मर गया, मुकदमा चलाओ इस ते। शेर किसी नूं चीर फाड़ के खा जाए तो फिर उस दे उत्ते मुकदमा चलाइए। चिड़ियाघर दे च इक दफा ते बच्चे नूं खा गया शेर, जिहड़ा पालिया पोसिया होया जयपुर दे, तो की मुकदमा चलावांगे उस ते? नहीं चल सकता, अचेत ने, चुनाव ही नहीं कर सकते। शुभ ते अशुभ दा वो चुनाव नहीं कर सकते, सिर्फ मनुख कर सकता है। इस वास्ते सारा ज्ञान ध्यान सारे अवतारी पुरुषां दा जोर ते सत्संग दी महिमा सिर्फ मनुखां लई है, चुनाव ये कर सकता है। सतगुरु कहिंदे रोज रोज मनुखी जगत जग मेला, मनुखी जगत मेला ही मेला होंदा जा रहा है, मेला ही मेला होंदा जा रहा है। महल विच रहना आदत बन गई, झूठ विच रहना आदत बन गई, बेईमानी विच रहना आदत बन गई, कठोरता विच रहना आदत बन गई, ठगी विच रहना आदत बन गई, लोभ विच रहना आदत बन गई, अहंकार विच रहना आदत बन गई। रोज रोज ये मेला ही होंदा जा रहा है, मेला ही होंदा जा रहा। हां जी, आवा जाए दूजा लोभ हाल। जगत का ही लोभ, पदार्थों का लोभ इतना बड़ा प्रबल, बार बार जमदा इस मैल करके बार बार मरदा है, जूनिया दे भटकदा है। हां जी, दूजा भाए सब परज वेगोई। सारी परजा, परज सारी परजा इसे दूजे भाव विच ख्वार हो रही है, इसे मैल विच जी के ख्वार हो रही है, दुखी हो रही है। हां जी, मनमुख चोटा खाए अपनी पात खोई। मन दे अधीन चल के अपने मन नूं अत्यंत मेला करके तरह तरह दियां चोटा खांदा है और जूनियां दे जो है भटकदा है, ए जगत, ए जगत दी मनुखता। हां जी, गुर सेवा ते जान निर्मल होए। गुरु दी सेवा निर्मल कर सकदी है संस्कारां, गुरु दी सेवा निर्मल कर सकदी है कर्मां नूं। हो सकता है 20 साल तो भी कोई झूठ बोल रहा हो, झूठ बोलना अजे सुभा ना बनिया हो, जे बाहरों भुल चुक बोल दे भी खरे हर मान, बोलिया तो है गलत पर बोलन विच पूरा मन नहीं सी, उसका इरादा नहीं सी। ये संस्कार भी नहीं बनेंगे प्रबल ते सुभा ते बनेगा ही। इसनों इस तरह भी ले लेना, दूजा रूप भी लेना। 30-40 साल तो गुरुद्वारे आ रहे हैं, कीर्तन कथा भी उपरों उपरों सुन रहे,
ਸਰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਵੀ ਇਸਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਮਨ ਲਾ ਕੇ। ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਹਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਜਿਸ ਕਰਮ ਦੇ ਚ ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਕਰਮ ਦੇ ਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਕਰਮ ਹੈ, ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਕਰਮ ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਬਦਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹੱਥ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਬਾਣੀ ਪੜ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੈਠਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਚ ਪੂਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬਲ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ, ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਬਥੇਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਰ ਕੀ ਟਹਿਲ ਕਮਾਵਣੀ ਜਪੀਏ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਵਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤੁਰ ਨਾਮ ਵਸੈ ਪਾਤੀ ਉਤਮ ਹੋਏ ਰਹਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਉਭਰੇ ਹਰ ਸਰਣਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਵਕਤ ਹਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਂ, ਐਸਾ ਭਾਵ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਮੈਂ ਹਰ ਵਕਤ ਹਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰ ਵਕਤ ਉਸਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਰ ਵਕਤ ਉਸਦੀ ਓਟ ਆਸਰੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰੇਗੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇਗੀ, ਪਾਵਨ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਾਤੇ ਭਗਤ ਦ੍ਰਿੜਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਭਗਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਭਗਤ ਕਰੇ ਜਾਣ ਵਡਿਆਈ ਪਾਏ। ਭਗਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਤ ਜਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਚ ਰਪੇ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਏ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਭਗਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਤਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਪਰ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਗਈ ਹੈ, ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਅਸਹਿਜ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਫਿਤਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਮੇਰਾ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਇਆ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਹਿਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਖਾਣਾ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੜਪ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਪਿਆਸ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਘੰਟਾ ਦੋ ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਤੜਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਹਿਜ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਕੇ ਭਗਤ ਜਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਚੀ ਕਾ ਗਾਹਕ ਵਿਰਲਾ ਕੋ ਜਾਣ। ਸੱਚ ਦਾ ਗ੍ਰਾਹਕ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵਣਾ ਆਦਤ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਪਛਾਣ। ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਸੱਜਣ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਚੀ ਰਾਸ ਸਾਚਾ ਵਾਪਾਰ। ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੱਚ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਸੱਚ ਦਾ ਹੀ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਧਨ ਪੁਰਖ ਜਿਸ ਨਾਮ ਪਿਆਰ।
ओही महान है, ओही पूर्ण पुरुष है, ओही साधु है, ओही संत है, जिस दा प्यार नाम नाल है, परमात्मा नाल है। हाँ जी, तीन प्रभु साचा एको सच लाए। प्रभु ने आप ही ऐसे सचियारां नूं सच दे मार्ग ते तोरिया होया, आप ही उन्हां दे ते कृपा कीती होई है, बख्शिश कीती होई है। हाँ जी, उत्तम बाणी शब्द सुनाए। इस तरह दे ने जिहड़े पुरश परमात्मा दी उत्तम बाणी नूं सुन के, उत्तम बाणी विच अपनी दृढ़ता कायम करके बोलदे भी बड़ा उत्तम ने, हर एक दे नाल बोल चाल भी बड़ी उच्ची रखते ने, उत्तम रखते ने, पावन रखते ने, पवित्र रखते ने। हाँ जी, प्रभु साचे की साची कार। प्रभु आप सच्चा है कि उसने जिहड़ा दो रंगी संसार बनाया है, ये कार भी उसकी सच्ची है। कारण जे दुर्गंधी ना आउंदी ते सुगंधी की महिमा नहीं सी, जे मैल ही ना आउंदी ते निर्मलता की महिमा नहीं आनी सी, जे झूठ ही ना आउंदा ते सच की महिमा नहीं आनी सी, मनुख के अंदर इस तरह की तड़प नहीं पैदा होनी सी। जिवें प्यास करके पानी चंगा लगता है, भुख करके भोजन चंगा लगता है, मैल करके निर्मलता चंगी लगती है, अवगुणा करके गुण चंगे लगते हैं, झूठ करके जिहड़ा सच है बड़ा चंगा लगता है ते पावन लगता है। हाँ जी, उस सच्चे दी ये सारी कार सारी साजना सच्ची है, इहदे च किधरे भी भुल नहीं है, किधरे भी गलती नहीं है। नानक नाम सवारण हार। इस वास्ते प्रभु का केवल नाम ही है जो सवारण हार है, जिंदगी नू निर्मल करन वाला है, पावन करन वाला है, पवित्र करन वाला है। जिंदगी सवर जांदी है जद निर्मल हो जाए, जिंदगी बिगड़ जाती है जब मैली तो मैली होंदी जाए, मैली तो मैली होंदी जाए। साहिब रहमत करन ये निर्मलता सारिया की झोली विच पान भुल चुक दी छवां। वाहिगुरु जी का खालसा।